ओके सो दोस्तों, ये मेरी मम्मी जा रही है अब उज्जैन, और वंशु आया है अपनी दादी को छोड़ने के लिए। अपनी मम्मी की गोदी में है इस वक्त। और देखो दोस्तों, ये है उज्जैन के लिए जो ट्रेन चलती है डायरेक्ट हिम्मतनगर गुजरात से, क्योंकि मैं हिम्मतनगर गुजरात रहता हूँ। तो मैं आपको ये ट्रेन देखो दिखा रहा हूँ। ये स्टेशन अभी है हिम्मतनगर का ही, बहुत ही स्मॉल सा स्टेशन है, और ये लोग जाने वाले हैं, और इनका एसी वाला रिजर्वेशन हुआ है। और ये हमारे भैया हैं, बिरजू भैया हैं ये, और ये सारे लेडीज़ के साथ जा रहे हैं। सबका ध्यान ये रखेंगे, चार लेडीज़ हैं ये। भैया एक बार हाय कर दो। जय महाकाल। जय माता जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। बच्चों हर हर महादेव। मम्मी आराम से जाना। चलो मम्मी ध्यान रखना। आप भी बोल दो हर हर महादेव। हर महादेव। ओके सो दोस्तों, हमने अपनी मम्मी को छोड़ दिया है, और अब ये ट्रेन चलने वाली है। वो अंदर बैठ चुके हैं, और वंशु एक बार हाय कर दो। वंशु, वंशु हाय। सो दोस्तों, मम्मी को छोड़ने के बाद अब हम आ गए हैं एक चाय की टपरी पे। ये देखो, ये वंशु बैठा है, और ये वंशु की मम्मी बैठी है, और ये पानी पी रहा है वंशु। तो वंशु थोड़ा उदास है, दादी चली गई है उज्जैन छोड़ के इसको थोड़े दिन के लिए। सो दोस्तों, मम्मी उज्जैन चली गई, और अभी हम चाय पी रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ। अभी चाय हमारी आने वाली, और अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसके बाद मुझे निकलना है दिल्ली, हिम्मतनगर गुजरात से मैं निकलूँगा दिल्ली। उसका ब्लॉग मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए तब तक आप मेरे ब्लॉग चैनल पर। थैंक यू सो मच।